हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक टू माय चैनल एंड आई एम न सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक बाइट सो हमने लास्ट क्लास में सीसीएनएस के की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया मतलब ऑलमोस्ट वन ईयर हो चुके हैं जिसमें मैंने अभी तक कोई भी वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर अभी अपलोड नहीं किया है रिगार्डिंग सी सी एन ए सो ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट मेरे पास ये इशू था क्योंकि जॉब भी थे बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था नाव मैं अभी जो सी सी एन की जो सीरीज़ है और जो बाकी अदर सीरीज़ मैंने इस चैनल पर स्टार्ट किया हुआ था उसको मैं कॉन्टिन्यू कर रहा हूँ राइट तो लास्ट जो हमने सी सी एन ए के अंदर हमने कवर किया था वो था नेटवर्क डिवाइसेस है ना तो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हमने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में जो भी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस नेटवर्क में यूज़ होते हैं उसके ऊपर बात की थी हमने सो so, अभी नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं ठीक है थीके? जैसे कि ओ मॉडल ठीक है और आई एड्रेसिंग आई एड्रेसिंग और उसके बाद है मैक एड्रेस तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे सबनेटिंग है ठीक uh, है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एज़ पर योर नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव नॉट ओनली सी सी एन ए मैं CCNA की बात करूँ तो सिर्फ सी सी एन ए भी नहीं चाहे आप लिनक्स एडमिन हो चाहे आप डेस्कटॉप इंजीनियर हो चाहे आप सर्वर एडमिन हो इन सभी के लिए ना ये जो चीज़ें हैं ओ मॉडल आई पी एड्रेसिंग मैक एड्रेस सबनेटिंग ये आपको आनी ही चाहिए ठीक है तो अब इन चीज़ों को समझने के लिए ना हमें बाइनरी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी हम आई पी एड्रेसिंग कर सकते हैं मैक एड्रेसेस के बारे में सबनेटिंग है और जैसे कि मैक एड्रेस के लिए आपको उस बाइनरी की रिक्वायरमेंट नहीं उसके लिए हमेंगजा डेमल की जरूरत पड़ती है हेक्साडेसिमल तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले बाइनरी को ख़त्म करने के बाद फिर हम हेक्साडेसिमल को भी डिस्कस करेंगे ठीक है सबनेटिंग है एक्सेस लिस्ट है तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग करेंगे तो इसके लिए हमारे को बाइनरी की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए राइट तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी के ऊपर तो बाइनरी क्या है तो बाइनरी बेसिकली एक नंबर सिस्टम है जो कि आपके जो कंप्यूटर जो सिस्टम है वो इस वाले लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है जैसे लैंग्वेज कई सारे लैंग्वेज होते हैं हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस नाउ अभी हम बात करेंगे बाइनरी की जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज हम जिसे बोलते हैं ठीक है इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ अ नंबर सिस्टम ठीक है जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात करें कि मैं uh, हिंदी में अगर मुझे अमित लिखना है तो आई विल से लाइक दिस अमित इंग्लिश में लिखना हो तो मैं एम आई टी तो दिस इज द लैंग्वेज जिसको अगर हमें लिखना हो तो हम लोग कोई ना कोई वर्ड कोई ना कोई मतलब लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ऐसे ही अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बाइनरी अंडरस्टैंड करता है राइट तो बाइनरी के अंदर आपकी अगर मैं बात करूँ जो बाइनरी का बेस है बेस ऑफ बाइनरी बाइनरी तो बाइनरी का बेस होता है टू और एक हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल जिसका बेस होता है टेन ठीक है तो अगर मैं डेसिमल की पहले हम लोग बात कर करें हैं डेसिमल को हम लोग टेन से कैसे बात करते हैं तो डेसीमल में जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो अगर आप नंबर सिस्टम की बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की वो जीरो से नाइन तक होती है मतलब अगर आपको डेसिमल में कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो वो आपकी जीरो से लेकर नाइन के बीच में ही होता है इससे बाहर कुछ नहीं होता तो इसका बेस टेन कैसे है अगर हम स्टार्टिंग करें जीरो से तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो बेस क्या है डेसिमल का टेन ऐसे ही बाइनरी का जो बेस है वो है टू बाइनरी का बेस क्या है टू टू का मतलब है इसमें सिर्फ दो ही डिजिट होंगी या जीरो होगा या वन होगा मतलब अगर आपको डेसिमल में नंबर्स लिखने हैं तो आपके पास जीरो टू नाइन वैल्यू है लेकिन अगर आपने बाइनरी में लिखना है उसी नंबर्स uh, को तो आपके पास सिर्फ दो ही डिजिट होंगी तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा इसी दो वैल्यू की हेल्प से आप पूरी नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं ठीक है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप भी आईपी एड की बात करूं या सबनेटिंग की बात करूँ या एक्सेसली जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में सिक्योरिटी का पार्ट है वो हमारा तो उसके लिए भी आपकी बाइनरी की काफी आ, अच्छे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक तो बाइनरी के अंदर जीरो का मतलब क्या होता है अगर हम जीरो बात करें तो जीरो का मतलब होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से ऑफ बिट ठीक है ये एक ऑफ बिट होता है और आपका वन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑन बिट ठीक है जीरो का मतलब होता है ऑफ बिट वन का मतलब होता है ऑन बिट राइट नाउ अब हम बाइनरी के अंदर सबसे पहली चीज जो डिस्कस करेंगे वो वो हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बाइनरी कन्वर्जन तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हमें डेसिमल से बाइनरी में लिखना है मैं आपके सामने एक नंबर सिस्टम लिखूंगा और डेसिमल में और उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा क्विक करूंगा जैसे अगर मैं बाइनरी में सॉरी uh, डेसिमल में अगर मैं नंबर लिखता हूं एट uh, तो इसको मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगा और बाइनरी में इसको मैं लिखूंगा लाइक दिस वन जीरो 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 बाइनेरी का एट नंबर है ठीक है अच्छा अगर मैं वन ट्वेंटी एट लिखना चाहता हूँ बाइनरी में तो आई विल लाइक दिस वन एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है तो इस तरीके से मैं अगर मैं टेन लिखूंगा ये डेसिमल में टेन नंबर है और अगर मैं लिखूंगा बाइनरी में तो इस, इस तरह से लिखूंगा तो हाउ इसको मैंने जैसे मैंने ये एट लिखा है डेसिमल में इसको मैं ऐसे लिखूंगा एज अ बाइनरी अगर मैं वन ट्वेंटी एट लिखता हूं तो मैं लिखूंगा इस तरीके से अगर मैं टेन लिखता हूं तो ऐसे इस तरीके से अगर कोई भी डेसिमल नंबर आपके सामने हो तो उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे वो हम सीखने वाले हैं ठीक है इसके लिए हमें ना एक टेबल बाइनरी में एक टेबल होती है बाइनरी टेबल उसको हमें क्या करना है याद करना है जैसे हमने बचपन में याद किया था टू वन जी टू टू फोर टू, फो, टू थ्री तो टेबल्स हम याद करते थे राइट टू का टेबल थ्री का टेबल ऐसे ही बाइनरी में भी आपको एक टेबल याद करनी रहेगी ठीक है।, है उस बाइनरी के उस टेबल से ही अगर आपको उस टेबल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप बाइनरी में कोई भी नंबर कन्वर्ट कर लोगे अगर डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है ठीक है और अगर कोई डेसीमल में नंबर दे तो बाइनरी में और बाइनरी में दिया हो तो भी उसको डेसेमल में आप कन्वर्ट कर लोगे ठीक है तो बाइनरी टू हम लोग सीखेंगे भी डेसीबल टू बाइनरी फिर डेसेमल टू बाइनरी करने के बाद फिर बाइनरी टू डेमल दोबारा कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो उसके लिए हमें एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी और साथ साथ इसमें हमें पावर ऑफ टू टू की पावर यानी ये हमें समझना बहुत जरूरी है ठीक है बाइनरी का बेस क्या है टू है तो इसलिए हमें यहां पे कोई भी अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती है वो पावर ऑफ टू होता है अंडरस्टैंड कि अगर मैं बात करूं बाइनरी सिस्टम की तो बाइनरी सिस्टम में जीरो वैल्यू होती है तो वन होगी तो डिजिट कितने ये टोटल टू तो इसका मतलब कि मुझे कोई भी इसमें कैलकुलेशन करनी है से बाय तो वो मुझे पावर ऑफ टू लेकर चलना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले हम टेबल की बात करते हैं अगर मैं बात करूं टू की पावर जीरो अगर टू की पावर जीरो है तो डेस्टिवल में इसकी वैल्यू आती है वन अभी हम डिटेल में समझेंगे इस चीज को टेंशन ना लीजिए अगर टू की पावर मैं कहता हूं वन इसका मतलब होता है टू अगर मैं कहता हूँ टू की पावर टू इसका मतलब फोर टू की पावर थ्री इसका मतलब एट ये आपको टेबल ये आपको याद करनी है वाली ठीक है टू की पावर जीरो मतलब मतलब टू से मल्टीप्लाई कर देना है तो फोर आ जाएगा नो दिस इज रॉन्ग थिंग टू की पावर टू का मतलब है टू को आपको टू टाइम मल्टीप्लाई करना है देन यू विल गेट द फोर अगर मैं टू की पावर थ्री करूं तो टू की पावर थ्री का मतलब है टू को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को सिक्स मिलेगा बट नॉट सिक्स तो मुझे टू की पावर थ्री मतलब टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलेगा एट तो टू की पावर अगर मैं थ्री करता हूं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टूल ऐसे अगर मैं टू की पावर फोर करूं तो आपकी जो वैल्यू निकल निकलगी आएगी वो आएगी सिक्सटीन तो एक चीज देखिए यहाँ पे ये डबल होता तो चला जा रहा है वन का पावर डबल टू टू का डबल फोर फोर का डबल एट एट का डबल सिक्सटीन सो ऑन तो अगर मैं बात करूं कि हमें कहां तक नंबर सिस्टम याद करने हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है आप जितनी मैक्सिमम याद कर लें ठीक है लेकिन एज पर नाउ एज पर नाउ अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एट बिट की बाइनरी आपको याद करनी है अब आप बोलोगे एट बिट की बाइनरी, कंफ्यूजिंग है ना नो no प्रॉब्लम एट बिट की बाइनरी का मतलब है कि आप जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये कितनी बिट होगी एट बिट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये टोटल कितने हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आपको एट की बिट यानी एट बिट की बाइनरी की कैलकुलेशन अभी सीखनी है क्योंकि जब हम आईपी एड्रेसिंग करेंगे ठीक है तो आईपी एड्रेसिंग करेंगे तो वहां पे आपको ये चीज और ज्यादा समझ में आएगी लेकिन अभी मैं जो चीज समझा रहा हूं अभी सिर्फ आपको उसको फोकस करना है हमें एट बिट की बाइनरी को अभी सीखना है एट बिट की बाइनरी में हमें मैक्सिमम मैक्सिमम कितना डेसिमल नंबर हमको मिलेगा वो हम लोग कवर करेंगे मतलब अगर मैं एट बिट की बाइनरी यूज़ करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम कितना मिलेगा टू बिट की बाइनरी करूँगा तो मुझे मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिलेंगी अगर मैं फोर बिट की बाइनरी यूज़ करता हूँ मुझे कितनी value? ये मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हमें टू बिट की बाइनरी लेके चलते हैं सपोज अगर आपको कहा जाता है कि टू बिट की बाइनरी में मैक्सिमम कितने डेसिमल नंबर बन सकते हैं तो लिख लेते हैं हम लोग जैसे टू बिट टू बिट या तो दोनों ही बिट क्या होंगी जीरो होंगी या उसमें से एक बिट वन जीरो होगी दूसरी बिट वन होगी तीसरी बिट ये वाली वन कर दो इसको जीरो कर दो और लास्ट में तीनों को वन कर दो तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू है जीरो ये वाली वैल्यू है वन ये वाली वैल्यू है टू और ये वाली वैल्यू है सॉरी एक सेकेंड दीजिए दिस इज दिस इज वन एंड दिस इज टू एंड दिस इज टू वन थ्री थ्री मतलब आप मैक्सिम कितने बना सकते हो थ्री टू बिट की वैल्यू में जीरो जीरो का मतलब जीरो होता है जीरो वन का मतलब वन होता है वन जीरो का मतलब टू होता है और इसको भी करेंगे तो आपका थ्री वैल्यू मतलब मैक्सिमम आप कितने बना सकते हो उसके अंदर थ्री नंबर डेसिमल नंबर अच्छा अगर हम फोर बिट लेके चलें तो फोर बिट में कितने वैल्यू बनेंगे ठीक है उसको डिस्कस करते हैं फोर बिट की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आएगा आपको एक दो तीन एग्जाम्पल जब तक मैं नहीं दूंगा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ बी पेशेंट अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आता है दूसरे एग्जाम्पल से और ज़्यादा समझ में आएगा तीसरे एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा तो यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम ठीक है कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है ठीक है सो फोर बिट की अगर बाइनरी करूँ तो फोर बिट में क्या होगा अब ये कैसे आया मैं बताऊंगा आपको आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे कि जीरो कैसे आया वन कैसे आया कीप पेंड ये थोड़ा सा पेशेंट रखिए आपको एपिसोड में ये भी क्लियर हो जाएगी ठीक है अच्छा फोर बिट की बात कर रहे हैं तो फोर बिट में क्या होगा या तो सारी ही बिट जीरो होंगी ठीक है या ये वाली बिट जीरो होंगी एक बिट ऑन होगी फिर जीरो जीरो वन जीरो फिर जीरो वन इस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ठीक है तो फोर बिट की वैल्यू में या तो मैक्सिमम सारी बिट जीरो होंगी या तो मैक्सिमम सारी बिट वन होगी तो अगर मैं फोर बिट की बात करूं ठीक है अभी कैसे आएगा समझाऊंगा आपको मैं ठीक है फोर बिट के में क्या होगा या तो सारी वैल्यू जीरो होंगी या तो सारी वैल्यू वन होगी अगर सारी वैल्यू जीरो होंगी तो मिनिमम वैल्यू कहेंगी जीरो और सारी वैल्यू अगर ऑन होगी तो मैक्सिमम वैल्यू में निकलेगा 15 मतलब फोर बिट की बाइनरी में आप मैक्सिमम पंद्रह नंबर तक ही जा सकते हो डेसिमल के मतलब मिनिमम जीरो होगी मैक्सिमम पंद्रह होगी अगर मैं एट बिट की बात करूं तो एट बिट में या तो सारे बिट जीरो होंगी तो मिनिमम जीरो होगा और अगर मैं सारे बिट को ऑन कर दूं तो मैक्सिमम होगा आपका टू फिफ्टी फाइव तो मतलब मिनिमम जीरो मैक्सिमम टू फिफ्टी फाइव तो लिमिटेशन ऑफ बिट्स ठीक है तो अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एट बिट की अगर एट बिट की करेंगे तो फोर बिट भी समझ में आ जाएगा फोर टू बिट भी समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ठीक है जिससे हम लोग इस डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन को इजीली समझ सकते हैं ठीक है तो उस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ कहाँ से आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम वन टू थ्री one, two, four, eight, sixteen, thirty-two, sixty-four, one twenty-eight. ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है ठीक है इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे सारी कैलकुलेशन करेंगे ठीक है आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट ये डबल चल रहा है एट का डबल सिक्सटी सिक्स का थर्टी टू सिक्सटी फोर आपको कहाँ तक जाना वन ट्वेंटी ये कितने बिट है एट बिट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अगर मुझे फोर बिट में कैलकुलेट करना होता फोर बिट में तो मैं वन टू फोर एट यहीं तक जाता ये फार्मूला है आपका अगर टू बिट में कैलकुलेशन करना होता तो वन एंड टू तक ही जाता मैं वॉट माई पॉइंट तो आप ये वाली जो है वो एट बिट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाएगा ये वाला फार्मूला ये फोर बिट के में किया जाएगा ये टू बिट में अगर आपको कोई बोले थ्री बिट में कैलकुलेट करो तो आप क्या करोगे फिर आप उसको ऐसे लिख सोगे वन लिखोगे टू लिखोगे फोर लिखोगे मतलब थ्री बिट तक जाना है ये क्या है आपका एक फॉर्मूला है ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन राइट सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपका एट बिट में ठीक है तो समझ में आ गया होगा फोर बिट का भी थ्री बिट का भी टू बिट का भी राइट right? तो मैं यहाँ पे अभी फोर बिट में लेके चलता हूँ तो आपको अब नंबर कैलकुलेट करनी है ठीक है मैं के सामने एक नंबर लिखूंगा डेसिमल में और उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे राइट तो जैसे कि मैं सबसे पहले नंबर लिखता हूँ यहाँ पे आ, एक नंबर लिख लेते हैं हम लोग टेन लिख लेते हैं ठीक है नंबर टेन ये डेसिमल का नंबर टेन है इस टेन को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बिट कितनी होगी एट बिट मतलब एट बिट में मुझे लिखना है टेन ठीक है जो नंबर सिस्टम है बाइनरी का वो मैं एट बिट यूज करूंगा और इसमें मैं क्या करूंगा डेसिमल के टेन को कन्वर्ट करूंगा ठीक है तो अब यहां पे मैं कैसे कर सकता हूं सबसे पहले ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको याद रखना होगा वन से स्टार्ट होगा वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट ये मैंने एट बिट में निकाला है ठीक है तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग वन से होगी और ये डबल होता चला जाएगा जितने नंबर ऑफ बिट में निकालना है उतनी डबल आप करते चलोगे ठीक है अगर किसी ने बोला दस बिट का निकालना है तो एट बिट तो ये हो गए और 128 का डबल 256 और इसका डबल 512 तो मतलब ये 10 बिट हो जाएंगे एक से लेके ये तो आपको ये आगे और एक्सटेंड करना पड़ता है अगर 10 बिट में मुझे निकालना होता तो राइट बट अभी हम इसको 8 बिट में निकाल रहे हैं नाउ सबसे पहली चीज अब मुझे 10 के नंबर की बाइनरी निकालनी है तो अब आपको इस फॉर्मूले में उन नंबर्स को एड करना है जिससे हमें टेन मिल जाए तो मैंने अभी को आपको थोड़ी देर पहले बताया था जीरो का मतलब होता है ऑफ बिट वन का मतलब होता है ऑन बिट ठीक है तो ध्यान रखें जिन नंबर्स को जोड़ने पे आपका आंसर आ जाएगा उन बिट्स को आपको ऑन करना है और जिन बिट्स को आप यूज नहीं करोगे उसको क्या कर दोगे आप जीरो इसका मतलब वो बिट ऑफ हो जाएंगी ठीक है ये कैलकुलेशन का तरीका है बाइनरी के अंदर तो अभी हम लोग चार पांच एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बाइनरी सिस्टम इजीली समझ में आ जाएगा इनफैक्ट आई मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी डेसिमल की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट आप इजीली कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले टेन की निकालते हैं तो आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन से नंबर्स को जोड़ने पे टेन आएगा तो सबसे पहले मैं एट को जोड़ूंगा एंड टू को जोड़ूंगा तो मेरा टेन बन जाएगा तो मैंने इन नंबर्स को मैंने ऐड किया तो इनके बिट को मुझे क्या करना होगा ऑन तो एट के नीचे वन लगेगा और टू के नीचे वन लगेगा बाकी मैंने किसी नंबर को यूज़ नहीं किया है तो आई विल से ज़ीरो जीरो 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 नीचे भी जीरो नीचे भी जीरो 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 मतलब आपने जिसके नीचे लगाया मतलब नंबर को हमने ऐड किया है है ठीक ऐसे मैं एक और नंबर एग्जाम्पल लेता हूं मैं ले लेता हूँ वन सिक्सटी की बाइनरी निकालनी मुझे वन सिक्सटी की अब देखो इनमें से उन नंबर को जोड़ोगे आप जिसमें वन सिक्सटी हो जाएंगे तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो ऑब्वियसली मेरा 128 और 32 को जोड़ने पे 160 होना चाहिए तो 128 ट्वेंटी एट और थर्टी टू एट टू टेन थ्री टू फाइव एन वन सिक्स सिक्स जीरो तो आगे ना 160। तो मतलब 128 और 32 को अगर मैं आपस में प्लस करूंगा तो मेरा 160 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 128 के नीचे वन लगा दूंगा और 32 के नीचे वन लगा दूंगा बाकी सबको मैं ज़ीरो कर दूँगा तो वन सिक्सटी की बाइनरी क्या हुई वन जीरो वन वन टू थ्री फोर फाइव टाइम जीरो तो दिस इज द बाइनरी ऑफ द वन सिक्सटी दिस द बाइनरी ऑफ द टेन ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं ठीक है एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे मुझे निकालना है नाइन्टी टू निकालना है ठीक है वन नाइनटी टू निकालता हूँ डेढ़ सौ निकालते हैं, वन फिफ्टी वन फिफ्टी की बाइनरी निकालते हैं तो वन फिफ्टी की बाइनरी निकालने के लिए अगर मैं वन ट्वेंटी एट और सिक्सटीन कैलकुलेशन का कैलकुलेटर uh, का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो मुझे 150 निकालना है तो 150 निकालने के लिए किनको प्लस करूँगा मैं अगर मैं यहाँ से 128 को 128 प्लस 16 करता हूँ तो 144 हो जाता है ठीक है 16 के बाद अगर मैं यहाँ पे और फो सिक्स चाहिए तो प्लस फ़ोर ले लेता हूँ एन प्लस टू लेता हूँ तो मतलब मैं कौन कौन सी वैल्यू लूँगा जिन पे 150 आ जाएगा इसको मैं ऑरेंज कलर में कर लेता हूँ 128 को ऐड करूँगा 16, 128, 16, 144, 144 एंड 4, 148, 148 एंड 2, 150। तो बाकी को मैंने ऐड नहीं किया है तो आई विल से ज़ीरो ऑफ़ कर देंगे बिट को तो मेरी 150 की बाइनरी क्या हुई वन ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो दिस इज़ द 150 फिफ्टी आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ठीक है अगर इनफैक्ट अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजिंग है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं और डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करूँगा ठीक है तो ये था आपका बाइनरी का कन्वर्जन ठीक है तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं बाइनेरी के अंदर और अगली वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे ठीक है और यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ अपडेट करना चाहूँगा कि मैंने जो है इंस्टाग्राम की आईडी डी मैंने बना ली है इसका जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेंगी और अगर आपकी कुछ क्वारीज़ होंगी तो वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर